यार मेरा ना दिमाग में एकदम वो बात ही हो रही है अभी। कैसे यार, गाइस लाइफ का कुछ भरोसा नहीं यार, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज डोंट हेट एनीवन। अगर आपका अभी भी घर वालों से या किसी भी अपने से कुछ गिला शिकवा है ना, प्लीज उसको खत्म करके उन लोग से बात कर लो। इट्स रियली शॉकिंग यार, इतने कम एज में अगर कोई ऐसा होता है तो बहुत ही, मतलब मुझे तो अभी भी एकदम समझ में नहीं आ रहा यार कि वॉज लुकिंग वेरी हेल्दी। बिग बॉस में भी मैंने देखा, इवन मतलब मैं बिग बॉस उतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट बहुत खराब लग रहा है यार। एक्चुअली इट्स अनबिलीवेबल, मतलब जैसे सुशांत का सीन हुआ था ना, वैसे ही सेम मुझे ऐसा भरोसा ही नहीं हो रहा। एक दिन तक तो मुझे वही नहीं हुआ था कि गाइस एक बार रेस्ट इन पीस कर दो यार चैट में। मैं तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं करती कर सकती। वी कैन जस्ट प्रे फॉर हिम कि वो जहाँ पे भी जाए उसको उसके जो क्या बोलते हैं आत्मा को शांति मिल गया है। रोटी यार क्या हुआ, आप लोग को पता है ना सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस में आए थे किसके साथ थे वो, बहुत ही खराब लगा यार सुन के। सच्ची भाई, सच्ची मैं बोल रही हूँ, ये भले आप लोग को ये मजाक लगे या कुछ भी लगे, अगर आपके फैमिली मेंबर या आपके कोई भी फ्रेंड्स आपका कभी झगड़ा हुआ जो आपके बहुत क्लोज हो या जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया हो, जो आपके लाइफ में जिसका इम्पोर्टेंस हो, प्लीज़ उसको मत छोड़ना कभी। लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, कौन किसको कब क्या हो जाए, लिटरली कुछ भरोसा नहीं है। तो प्लीज़ जिससे भी आपका कुछ गिले शिकवे हो सब खत्म करके आप लोग, मतलब उन लोग से बात कर लो और सब सॉर्ट आउट कर लो। तो प्लीज़ यार, गुस्सा वगैरह सब थोड़े टाइम तक रहता है, वो इंसान छोड़ के चला जाता है ना, तब फील होता है कि उसका वैल्यू क्या है।